हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ओडिशा लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें चिकित्सा अधिकारियों यानी सहायक सर्जन के लिए कुल 1800 से भी ज़्यादा पद शामिल हैं। अगर आप संबंधित पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं यानी MBBS डिग्री या इससे संबंधित कोर्स की डिग्री है, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से 13 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी एज कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 32 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों, इसके और अधिक जानकारी के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.opsc.gov.in में जाकर नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी PDF फाइल की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जॉब्स रिलेटेड सभी जानकारियां डेली पोस्ट करते हैं, आप वहां जाकर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यह बिल्कुल फ्री है, आपका एक रुपये भी खर्च नहीं होगा और बदले में आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वैकेंसी परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग ओडिशा राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा अधिकारियों यानी सहायक सर्जन के लिए कुल 1871 पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। जिसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्था से MBBS या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज या मेडिकल संस्थान के समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा ओडिशा मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2021 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 32 वर्ष होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी में आने वाले उम्मीदवारों को आयु में छूट दी गई है, जिसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। इस जॉब वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन का डेट और ऑनलाइन एग्जाम का डेट 12 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो चुकी है। वहीं बात करें इसकी लास्ट डेट की तो 13 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक नोट दिया गया है, अगर कोई अभ्यर्थी या उम्मीदवार जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन्हें 20 दिसंबर 2021 तक आवेदन करने का मौका दिया गया है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं जैसे SC ST PWD, उनको फीस में छूट दी गई है। वहीं बात करें अदर कैंडिडेट के लिए तो 500 रुपये निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं इनके सैलरी की। तो 12 लेवल पे निर्धारित की गई है, जिसकी मंथली सैलरी 56,100 रुपये किया गया है। अब बात करते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ओडिशा लोक सेवा आयोग द्वारा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें एक पेपर निर्धारित की गई है जो 200 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें रॉन्ग आंसर होने की स्थिति में माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। इनका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सिलेबस के हिसाब से दिया जाएगा, जिसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस की, यानी कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो इनको सबसे पहले आपको जाना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट में, जिनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं www.opsc.gov.in, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है। इसमें जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहीं से आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। इस जॉब नोटिफिकेशन की अधिक जानकारी के लिए आवेदन करने से पहले पूरा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF फाइल का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड सभी जानकारियां टेलीग्राम पर डेली पोस्ट करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी रोज़गार पाने का एक अच्छा मौका मिल सके। इसी तरह सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मिल सके और समय रहते आप आवेदन कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।